वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रेलवे की जो न्यू वैकेंसी निकली है टीसी के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, सीनियर क्लर्क के लिए, उसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि इसका फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। ये वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर डालूंगी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई पे जाएंगे, देन यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, देन ओके। ओके करने के बाद कंट्री ऑफ नेशन, यहाँ पे आप इंडिया के हो तो इंडिया सिलेक्ट कीजिए, नेपाल के हो तो नेपाल सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे नेम, आपका फुल नेम आ जाएगा, वही सेम नेम आपको यहाँ पे रिपीट करना है। हैव यू चेंज योर नेम, या अगर आपने अपना चेंज नाम किया तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, देन सिलेक्ट आपको कौन से मेल हो फीमेल हो वो सिलेक्ट करना है। फादर नेम आपको यहाँ पे डालना है, मदर नेम डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे वेरीफाई यूज आधार कार्ड का नंबर डाल के कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको आई डोंट हैव आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसमें से आपके पास जो भी आएगा वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। देन कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालना है, सेम जनरेट ईमेल ओटीपी भी करना है। तो जैसे ही आप ये जनरेट ईमेल ओटीपी करोगे, आपके जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है वहां पे एक ओटीपी जाएगा जो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट नंबर डालोगे, वहां पे भी आपको ओटीपी जनरेट करनी है जो यहाँ पे आपको डालनी है। देन आप पासवर्ड अपने जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। देन कैप्चर यहाँ पे आपको टाइप करना, आपको पता ही होगा, ठीक है। देन इसके बाद आप क्रिएट अकाउंट, ये अकाउंट होने के बाद आपको एक मेल आ जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड करके। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। तो आपने जो भी ईमेल आईडी वहाँ पे डाली होगी या कॉन्टेक्ट नंबर डाला होगा, उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखाती हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट, आप ये फॉर्म कहाँ से फिल करने वाले हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। आई एम नॉट डन, नेक्स्ट करने के बाद ये आपको फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपने जो फॉर्म फर्स्ट फिल किया है उसके आप डिटेल रहेंगे। आपको यहाँ से फॉर्म फिल करना चालू करना है। आपका मैरिड स्टेटस क्या है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो ये सिलेक्ट करना है। आप हिंदू मुस्लिम कौन से हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपकी मदर टंग कौन सी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करो। आप एग्जाम कौन से लैंग्वेज में देना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आपके कहीं पे परमानेंट अगर मार्क होगा तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के इसमें आपको फिल करना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे कम्युनिटी पूछा है, आप ओबीसी में आते हो, ओपन कास्ट में आते हो, किस में, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यू आर इन एक्स सर्विसमैन, अगर आपने पहले जॉब किया है तो यहाँ पे आप यस डालोगे, नहीं तो नो ही डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शन नो ही रखना है। अगर आपने ऑलरेडी रेलवे में इम्प्लॉय हो तो यहाँ पे यस करना है, नहीं हो तो नो कर दीजिए, ठीक है। नेम ऑफ द करंटली डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई डिपार्टमेंट में इसमें से हो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, किसी में आप काम कर रहे हो क्या, तो नहीं तो नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। अभी देखिए नीचे यहाँ पे ना बैंक डिटेल पूछा, बैंक डिटेल फॉर रिफंड टू फीस। अब इसमें से जो फीस आप पे करोगे उसमें से जो फीस रिटर्न होगी वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे होगी, इसीलिए यहाँ पे आपको बैंक डिटेल पूछा है। तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल डालने के बाद इसको सेव कर दीजिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ना 10th का पहले आपको ऐसा फॉर्म ओपन होगा जो आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से स्टेट से आपने 10th पास किया है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका बोर्ड क्या है, वो आपको जो डेट
ऑफ लेजर डिक्ले कब हुआ था उसका डेट यहाँ पे मेंशन करना है, रोल नंबर मेंशन करना है और आपके सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। देन अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऐड करके ऑप्शन आएगा, अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है तो उसको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट की है तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे सब स्टेटमेंट, मतलब आप कॉमर्स में किए हो, आर्ट्स में किए हो, किस में किए हो, तो वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप कौन से स्टेट से आपने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो सिलेक्ट, आपको कॉलेज नेम क्या है या यूनिवर्सिटी नेम क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है, आपका डेट ऑफ रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ था वो डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की डू यू हैव अ टाइपिंग, ठीक है। अगर आप टीसी के लिए या फिर स्टेशन मास्टर के लिए भी अप्लाई करते हो तभी भी यहाँ पे आपको टाइपिंग के लिए यस ही करना है, ठीक है। यस करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए फोटो जो मैक्सिमम इसकी साइज 30 KB to 70 में ही आपको ये फोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर की भी सेम ही है तो उसी में ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। देन इसको सेव करना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अभी आपको पता है कि ऑप्शन पूछेगा क्योंकि ये स्टेशन मास्टर टिकट के लिए या फिर जनरल अकाउंट असिस्टेंट के लिए या फिर सीनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप कोई 4 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक क्यों पूछा जा रहा है क्योंकि ना जब भी आप अगर पेपर आप पास हो जाते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या, आप क्या बनना चाहते हो, स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो या फिर टिकट सुपरवाइजर बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो वो जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा उसी को फर्स्ट इसमें सिलेक्ट किया जाएगा, जैसे भी आपका मार्क्स मिला आएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से आप जब सिलेक्ट करोगे तब आपको यहाँ पर प्लेस नेम डालना है एंड सेव करना। उससे पहले आप प्रीवियस एप्लीकेशन चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए क्योंकि एक बार आपने सेव किया तो आप उसको बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या फिर फॉर्म रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।